नमस्कार दर्शकों, आज मैं बात करने वाला हूं स्पेशली 9 नंबर जिनका भाग्यांक, जिनका मूलांक 9 है, उनके लिए हम लोग बात करेंगे। तो दर्शकों, मैं डॉक्टर सिंजार शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज डॉक्टर सिंजार शास्त्री में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 9 नंबर के लिए बात करूंगा, और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप YouTube पर जाकर के मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, और Facebook पर मुझे फॉलो जरूर करिए। ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो रेमेडी के साथ मिले। मित्रों, आज जो बात हो रही है 9 नंबर शक्ति और पावर, शक्ति और संघर्ष या समर्पण, ये तीनों का जो नंबर है उसका 9 नंबर है। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी मंथ के 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को, इन डेट में अगर हुआ हो 9, 18, 27, उनका मूलांक बनता है 9, उनका भाग्यांक बनता है 9। ज्योतिष शास्त्र में नंबर भाग्य का कारक भी माना जाता है। इस नंबर की विशेषता यह है कि कोई भी नंबर इसके साथ जुड़ जाए तो उसका पावर बढ़कर के 9 बन जाता है, लेकिन कोई भी नंबर इसके साथ अगेंस्ट में खड़ा हो जाए तो उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए ये अपने आप में बड़ा महत्व रखता है 9 नंबर। 9 नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो कभी डिवाइड नहीं होता, वो जैसा बिगिनिंग में रहता है वैसे ही अंत तक रहता है। इसलिए इस नंबर का अपने यहां बड़ा महत्व माना गया है। ऐसे लोग जो होते हैं, जो 9 नंबर के लोग होते हैं, वो बड़े ही व्यक्तित्व के धनी लोग होते हैं। उनका भाग्य बड़ा स्ट्रांग होता है। इनका शौक होता है कहीं घूमना, कहीं जाना, जिंदगी को बड़े अच्छे से जीना, साथ में 2-4-10 लोगों को साथ रखना और उनके भाग्य के बारे में भी सोचना और अपने भाग्य के बारे में भी सोचना इनका विशेष स्वभाव है। किसी को तोड़ने के बजाय किसी को जोड़ने में ज्यादा अभिरुचि रखते हैं। जोड़ने की कला इनमें ज्यादा होती है, तोड़ने की कला कम होती है। अपने दोस्तों के प्रति, अपने परिवार के प्रति इनकी भावना जो है बहुत दिखता है, प्यार भरी, दया भरी भावना रहती है। फैमिली के प्रति इनका बड़ा प्रेम बना रहता है। ऐसे लोग बड़ों का बहुत मान सम्मान करते, माता पिता का, दादा दादी का, जो भी बड़े हैं इनसे रिश्ते में, सबका सम्मान बहुत अच्छा रखते हैं। इनकी कमजोरी क्या है? अगर कोई बात इनको चुभ गई तो पलट कर दोबारा नहीं देखते, वापस दूर हो जाते हैं उस व्यक्ति से जो इनको किसी तरीके के बातों से दुख पहुंचाया हो। ऐसे लोग जैसे इनका भाग्य है, भाग्यांक है, ऐसे जो ग्रह हैं, इसका जो भाग्यांक है ऐसे लोगों का, वो बताया जाता है कि अगर ऐसे लोग किसी भी थर्सडे के दिन अपना काम करें या फ्राइडे के दिन अपना काम करें, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इनके लिए पिंक कलर, गुलाबी कलर बड़ा अच्छा लकी माना गया है। इनके लिए 9 नंबर बहुत लकी माना गया है। इनके लिए 7 नंबर लकी माना गया है। ये सब नंबर इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनको अगर जीवन में कुछ करना हो तो सबसे बेहतर होगा इनको एक पुखराज पहनना सबसे अच्छा होगा। दूसरा चीज, कुछ और अच्छा कर सकते हैं तो इनको स्पेशली पुखराज के साथ साथ अगर एक कुछ करना चाहें तो इनको ये टोपाज, अगर पुखराज साधने तो टोपाज भी पहने, आपके लिए बेहतर हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, भगवान विष्णु की ऐसे लोगों को उपासना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आप ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगले वीडियो का प्रतीक्षा करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।